नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गर्ग। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत सुरक्षा मिशन के अध्यक्ष स्वामी राजेंद्र देव जी महाराज जी। हाँ जी महाराज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कल के बजट के बारे में, बताइए सर। देखिए, बजट जो है आम जनता के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन बजट में कहीं ना कहीं संतों की अनदेखी करी गई है। संतों के लिए भी अलग से बजट होना चाहिए, क्योंकि संत समाज की रीढ़ है और समाज हित में कार्य करता है। संतों की जो अनदेखी हो रही है, चाहे वो समाज के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा और चाहे मीडिया के द्वारा, सभी के द्वारा संतों की बात को नहीं उठाया जाता, संतों की परेशानियों को नहीं दिखाया जाता। इससे पहले किसी सरकार ने कोई बजट नहीं दिया? नहीं, संतों के लिए। संतों के लिए किसी भी सरकार ने आज तक, आजादी से लेके और आज तक, संत समाज वंचित रहा है हर तरीके से। और आज मैं जो संत समाज की हालत देख रहा हूँ, बसों में संत समाज को कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता, ट्रेनों में नहीं मिलता, उनसे टिकट मांगी जाती है। तो हम अपने संत समाज की तरफ से बहुत सी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। तो हमारा अभियान चल रहा है संतों को जोड़ने का, और काफी बड़ी स्ट्रेंथ हमारे पास हो चुकी है, और हम सरकार के सामने जाएंगे। सरकार अलग से बजट, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, वो संतों के लिए अलग से बजट पेश करें, ताकि संतों के कपड़े का, रहने का, खाने का, संतों के आने जाने का काफी जरूरत है समाज को संतों की, क्योंकि हमारा भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, और हमारे देश की जो संस्कृति की और सभ्यता की जो रक्षा की है वो हमेशा संतों ने की है। अंदरूनी में जहां सिक्योरिटी की बात करूं, भारत के अंदर की मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो संतों का बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, नौजवान जो हमारे सेना के जवान हैं, वो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, बाहरी देशों से रक्षा करते हैं, लेकिन संत समाज ने पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का डंका बजाया है और आगे भी बजाते रहेंगे, क्योंकि भारत की संस्कृति और सभ्यता को पूरा विश्व सलाम करता है। तो इन संतों को क्यों ना अब तक अनदेखी की गई हर सरकार द्वारा, तो ये सरकार काफी कुछ संतों के बारे में, हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि सबके बारे में विचार कर रही है।